हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैपिटल एक्वायर फाइनेंशियल प्लानर और मैं हूं आपका होस्ट रोहित द्विवेदी। दोस्तों आज हम जानेंगे ऑप्शन मार्केट की एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिसके ऊपर एक बिगनर स्टार्टिंग लेवल पे जो लोग ऑप्शन को सीख रहे हैं वो लोग ट्रेड करके बहुत अच्छा मंथली 10,000-15,000 तक का रिटर्न बना लेंगे और पूरा प्रोसेस इस पूरे वीडियो में जानेंगे। और जो लोग नए हैं प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले कुछ एग्जांपल से बात करेंगे। एग्जांपल नंबर वन, जैसे मैं एक बिगनर हूं और मुझे इंट्राडे में कोई चीज को खरीदना है ऑप्शन का जिसका प्रीमियम चल रहा है 400 रुपीज और फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी का है 34,000 का कॉल ऑप्शन है, ठीक है। अब यहां पे समझिए जरा दोस्तों कि अगर कोई बिगनर है और 400 रुपीज का कॉल ऑप्शन बाय करता है तो उसको लगभग इन्वेस्टमेंट लगेगा 10,000 के आसपास। कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? 10,000। लेकिन उस ट्रेडर का जो टोटल रिस्क है वो कितने का है? 10,000 रुपीज का है। यानी अगर उसे प्रॉफिट होता है तो अच्छा प्रॉफिट होगा, नो डाउट प्रॉफिट अनलिमिटेड का चांस रहता है। लेकिन कोई भी ट्रेडर अनलिमिटेड प्रॉफिट बुक नहीं करता, 100-200 पॉइंट भी मिले तो बुक कर लेता है, लेकिन रिस्क जो है 10,000 फिक्स होता है। इसी वजह से जो ऑप्शन बिगनर होते हैं वो बड़ा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाते, थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट आता है बुक कर लेते हैं, लेकिन लॉस होता है तो ये इस तरीके के अमाउंट के लॉसेस उनको फेस करने पड़ते हैं। और ये एक लॉट की बात है, बहुत सारे ट्रेडर तो 10 लॉट 15 लॉट 20 लॉट पे भी ट्रेड लगाते हैं, बड़ा बड़ा कैपिटल लूज करते हैं। तो ऐसे में वो इन्वेस्टर बिगनर क्या करे कि उसे एक अच्छा खासा इनकम जनरेट हो, तो मैं आपको इसकी एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, साथ ही साथ आपको उसका एडजस्टमेंट भी बताऊंगा जिससे आप उस पूरे ट्रेड को सिक्योर कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रेटजी पे आते हैं। स्ट्रेटजी क्या रहेगी, आपको सबसे पहले जैसे 400 का कॉल आप बाय करते हैं उसके जस्ट सामने आपको एक स्ट्राइक ऊपर यानी 34,000 है तो 34,100 या 34,200, 100 से 200 ओटीएम जाना है। जैसे मैं 34,200 जाता हूं, 34,200 इसका मैं कॉल क्या करूंगा, सेल कर दूंगा। क्या करूंगा कॉल इसका? सेल कर दूंगा। अब सेल करने में बहुत सारे ट्रेडर को ये डाउट होगा कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगता है, तो ऐसा नहीं है। जब भी आप कॉल बाय कर लेते हैं और उसके बाद सेल करते हैं तो आपको मार्जिन बेनिफिट मिलता है, हेजिंग बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे आपका ट्रेड पूरी तरह से हैज हो जाएगा। तो 34,200 का कॉल फॉर एग्जाम्पल प्रीमियम चल रहा होगा 320 या 330, तो यहाँ पे आपका जो टोटल रिस्क हो गया दोस्तों वो हो गया 60-70 रुपीज का, और वो भी तब तक जब तक एक्सपायरी नहीं हो जाती। अब 50-70 रुपीज का रिस्क है, मतलब टोटल रिस्क कितने का हो गया, 1500 से लेके 1600 रुपीज तक का, इससे ज्यादा का रिस्क ही नहीं है। जब आपने अपने रिस्क को कंट्रोल कर लिया, 10,000 की जगह जब आपने 1500 से 1600 का रिस्क कंट्रोल कर लिया तो आपको प्रॉफिट होगा अच्छा खासा। अब प्रॉफिट कितना हो सकता है इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 200 पॉइंट का गैप है तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 2500 तक का हो सकता है, और मैं इतना श्योर हूं कि हर व्यक्ति को ये प्रॉफिट पसंद आएगा। 2500 10,000 के कैपिटल में बहुत शानदार है, आप कह सकते हैं कि 25% तक का रिटर्न है, ठीक है। पूरे सिस्टम को मैं अपने स्क्रीन पे लेके जाता हूं और अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप पूरे सिस्टम को समझ पाए। इस स्ट्रेटजी को लॉन्ग कॉल स्प्रेड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग कॉल स्प्रेड। इसे आप पुट साइड भी बना सकते हो जिसे लॉन्ग पुट स्प्रेड कह सकते हैं, लेकिन इसका एडजस्टमेंट हमको जानना है कैसे हम इसको एडजस्ट करें और कैसे हम अपने ट्रेड में इस अमाउंट का भी रिस्क ना हो, ऐसा क्या सेटअप लगाएं कि हमारा रिस्क पूरी तरह से सिक्योर हो, कवर हो। तो पूरे वीडियो में दोस्तों बने रहिए और लास्ट तक देखिएगा, और जो लोग प्लीज नए हैं सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमें उसी तरीके का मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके सामने इसी तरीके का कंटेंट लेके आते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हैं और आपको मैं बताता हूं कि किस तरीके से हम एक अच्छा खासा रिटर्न इस तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको कुछ प्रॉफिट लॉस का रिपोर्ट भी दिखाऊंगा जो कैपिटल एक्वायर लगातार आप लोगों को दे रही है, समझा रही है और सिखा रही है। दोस्तों जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर हम 400 का प्रीमियम बाय करते हैं तो उसका मैक्सिमम रिस्क जो होता है वो 10,000 रुपीज़ तक का होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी के सामने जस्ट सामने 320 रुपीज़ का एक प्रीमियम सेल कर देते हैं तो हमारा मैक्सिमम रिस्क जो होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, मतलब 80 पॉइंट का हमारा रिस्क होगा। क्या होगा? रिस्क होगा।
और हमारा रिवॉर्ड कितने होगा इन दोनों पॉइंट के बीच में, लगभग हमारा रिवॉर्ड होगा 2500 रुपीज़ का मिनिमम साइड पे हमारा रिवॉर्ड हो सकता है। तो हम यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड का जो रेशियो लेके चल रहे हैं वो 1:1 है लगभग लगभग, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारा रिस्क भी 2000 के आसपास का है और रिवॉर्ड भी हमारा 2000 के आसपास का है। और अगर हम विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात करें, विनिंग, तो विनिंग हमारी जो है वो होगी 50% के आसपास, ठीक है, यानी कि या तो हम प्रॉफिट में आएंगे या हम लॉस में आएंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस स्ट्रेटजी को रिस्क फ्री कैसे बना सकते हैं, कैसे हम इसको रिस्क फ्री बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझना होगा। तो ग्राफ समझते हैं कि इस स्ट्रेटजी का ग्राफ किस तरीके से बनता है। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। जो ये वाला एरिया है वो पूरा प्रॉफिटेबल एरिया रहेगा, ये वाला एरिया तो जो है पूरा प्रॉफिटेबल एरिया रहेगा, यानी मार्केट जितना अप जाएगा आपको प्रॉफिट होगा और मार्केट जितना डाउन आएगा आपको लॉस होगा, ठीक है। अब लॉस और प्रॉफिट का जो रेंज है वो कितना है, 2000 इधर और 2000 इधर, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट गया अप तो आपको होगा प्रॉफिट, लेकिन अगर मार्केट डाउन आता है तो होगा लॉस। अब ऐसे में ट्रेडर क्या करे, तो देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल 34,000 कॉल बाय 34,000 जो है बैंक निफ्टी है एट द रेट 200 एंड 34,200 कॉल सेल एट द रेट 120, ठीक है। अब मार्केट जो है डाउन की तरफ जाने लगा तो डाउन जाने में क्या होगा, ये वाला आपको लॉस देगा और ये वाला आपको देगा प्रॉफिट, ये वाला देगा आपको प्रॉफिट। तो क्या करना है कि जैसे ही मार्केट 200 से 300 पॉइंट डाउन जाता है, 200 से 300 पॉइंट डाउन जाता है, तो क्या करना है कि आपको ये वाले ट्रेड को जो कि सेल वाला है इसको बुक कर लेना है। क्या कर लेना है, बुक कर लेना है। और बुक करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, एक स्ट्राइक प्राइस नीचे यानी 33900 का कॉल आपको सेल करना है। 33900 क्यों, क्योंकि 34,000 कॉल हमने बाय किया था, उसके बाद हम यहाँ पे 33900 का कॉल जो है वो सेल करेंगे। इसका प्रीमियम लगभग 100 या 110 के आसपास आएगा, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा कि जो मार्केट को हमने लॉन्ग कॉल से शॉर्ट कॉल में कन्वर्ट कर दिया और हमारा जो प्रॉफिट होगा वो इन दोनों के बीच का प्रॉफिट होगा। मतलब अगर हमको मैक्सिमम लॉस 2000 का है तो वो लॉस घटकर हमारा 400 से 600 रुपीज़ ही रह जाएगा या हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लॉन्ग कॉल स्प्रेड से। लॉन्ग कॉल स्प्रेड, लॉन्ग कॉल स्प्रेड, लॉन्ग कॉल स्प्रेड कैसे होता है, बाय 34,000 कॉल एट द रेट 200 एंड सेल 34,200 कॉल एट द रुपीज 120। तो ये जो ट्रेड है ये लॉन्ग कॉल स्प्रेड कहलाता है। इसके बाद अगर हमारे अकॉर्डिंग ट्रेड गया तो हम प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाएंगे, प्रॉफिट बुक। और अगर मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं गया तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे शॉर्ट कॉल स्प्रेड में। शॉर्ट कॉल स्प्रेड में कैसे, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 34,000 का कॉल बाय है और 34,200 का सेल है, तो इसे तो बुक कर लेंगे क्योंकि इसमें हमको प्रॉफिट होगा। इसके बाद हम इमीडिएटली हम लोग क्या करेंगे, 33900 का कॉल जो है वो सेल करेंगे। अब जिसका प्रीमियम कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, या 120 या 80 रुपीज़ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट मूवमेंट। तो आप इसका एक अच्छा और सिक्योर तरीके से अपने रिस्क को कवर कर पाएंगे और अपने ट्रेड को लॉन्ग कॉल स्प्रेड से सीधे सीधे शॉर्ट कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मार्केट फिर आपका कहीं भी रहे, नीचे आप रहे, आपको एक सिक्योर इनकम जनरेट होके मिल सकती है, ठीक है। दोस्तों लॉन्ग कॉल के बाद शॉर्ट कॉल स्प्रेड करके आप छोड़ दीजिए ट्रेड को। अगर वो अगेंस्ट जाता भी है तो आपको लिमिटेड लॉस ही होगा 1000 से 1500 का, लेकिन अगर वो आपके अकॉर्डिंग रहता है तो आपका पूरा जो लॉस होने वाला रहा वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा।
अब दोस्तों 50% केस में जैसे ही इमीडिएट अप जाता है आप अपना प्रॉफिट जो है बुक कर सकते हैं। तो ये जो ट्रिक है ये बिगनर के लिए बहुत अच्छा है, जो चाहें कि बहुत इजीली तरीके से ऑप्शन मार्केट में लॉन्ग कॉल स्प्रेड से बेनिफिट बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैं आप लोगों के सामने एक प्रॉफिट लॉस का रिपोर्ट लेके आया हूँ। कैपिटल एक्वायर की जो बेस्ट चीज़ें हैं वो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। यहाँ पे आप लोग लर्न कर पाएंगे कि कैसे लॉन्ग कॉल स्प्रेड से हम लोग एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो देखेंगे दोस्तों ये वाला जो एग्जाम्पल है, जितने भी एग्जाम्पल है देखिए, यहाँ पे हायर स्ट्राइक प्राइस को हमने बाय किया है, उसके बाद उसके जस्ट नीचे मतलब कि दूर के स्ट्राइक प्राइस को हमने सेल किया है, ठीक है। तो पूरा जो ट्रेड है, जितने भी ट्रेड हैं सब लॉन्ग कॉल स्प्रेड के एग्जाम्पल हैं। अब दोस्तों देखिए लॉन्ग कॉल स्प्रेड से हम कैसे पूरे मंथ में प्रॉफिट बना सकते हैं। 18 अप्रैल को 2022 से हमने ये बनाया है पूरे मंथ के लिए आप लोगों के लिए। फर्स्ट डे हमको 825 का प्रॉफिट हुआ, 1125 1000, उसके बाद हमको यहाँ पे लॉस हुआ। देखिए लॉस अमाउंट जो है दोस्तों बहुत लो है, और ये उसी वजह से है जब हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर प्रॉफिट हुआ, फिर हमको यहाँ पे बड़ा लॉस हुआ, मैक्सिमम लॉस। उसके बाद ये देखिए दोस्तों पूरा प्रॉफिट लगातार लॉन्ग कॉल स्प्रेड में हमें रिजल्ट आए, और ये एवरी डे का मेंटेन है। उसके बाद 12 मई 2022 को लॉस हुआ, उसके बाद देखिए फिर कंटिन्यूसली प्रॉफिट जो है छोटे छोटे भी हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से बड़े बड़े प्रॉफिट हैं, छोटे छोटे भी प्रॉफिट हैं। इसके बाद देखिए 625 का लॉस भी है हमको 18 मई के, और 19 मई का जो आज एक्सपायरी है, आज 19 मई को हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो हमको हमारा जो ट्रेड है वो रनिंग है, ठीक है, और इसको एडजस्ट भी कर दिया गया है। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे कि टोटल गेन जो है पूरे मंथ में यानी कि 22 वर्किंग डे में हमको 10,350 रुपये का प्रॉफिट आया है, 10,000 रुपीज़ के आसपास का हमको प्रॉफिट आया है। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज़ दोस्तों, वह पूरा जो प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट है वो एक लॉट के ऊपर है, वन लॉट के ऊपर है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ट्रेडर, और इन्वेस्टमेंट कितना लगता है वन लॉट के लिए इन्वेस्टमेंट लगेगा 25K से 30K। इस इन्वेस्टमेंट के साथ आप लोग इस पे इजीली 10,000 तक का प्रॉफिट पूरे मंथ में बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग कैपिटल बढ़ाते हो अपना, अगर यहाँ पे आप अपना कैपिटल 25K से 30K से अगर आप 1 लाख तक का कैपिटल रखते हो, तो इजीली आप मंथ में 30K से 35K तक का प्रॉफिट लॉन्ग कॉल स्प्रेड से बना सकते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये जितने भी कॉल हैं कैपिटल एक्वायर अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करता है। मैं टेलीग्राम ग्रुप दिखाता हूँ आपको, ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आप लोगों को देखिए दोस्तों ये पूरे कॉल आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का रिपोर्ट भी दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये वाला कॉल है जो गया था, आज गया है 3,4,500 वाला। इसके बाद देखिए ये वाला गया है 17 मई को, इसके बाद यहाँ पे गया है, ठीक है। तो ये पूरे कॉल जो है आपको ग्रुप में मिलते रहते हैं, जिसकी सहायता से आप इजीली, और जो टाइमिंग होती है इसकी 10 एम के आसपास होती है। तो कैपिटल एक्वायर अपने ग्रुप में भी आपको लॉन्ग कॉल स्प्रेड का एग्जांपल देता रहता है, और लॉन्ग कॉल स्प्रेड से आप लोग इस तरीके के रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब आपसे जो भी पर्सन न्यू है और चाहता है कि मार्केट से वो ऑप्शन मार्केट को पूरी तरह से लर्न करे, ठीक है, और मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, अच्छे तरीके से उसके ऊपर वो ट्रेड कर पाए और उसको समझ पाए, तो आप कैपिटल एक्वायर की लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। कैपिटल एक्वायर की लर्निंग प्रोग्राम को, ठीक है, लर्निंग। अब दोस्तों लर्निंग कैसे होती है, बिल्कुल इसी तरीके से होती है जैसा बताया जा रहा है, और लाइव कनेक्ट होते हैं हम लोग गूगल मीट के थ्रू। तो दोस्तों आप ऑप्शन मार्केट की, इक्विटी मार्केट की, कमोडिटी मार्केट की पूरी ट्रेनिंग वाया गूगल मीट लाइव ले सकते हैं, और लाइव ट्रेनिंग होती है एवरीडे। तो जो लोग भी नए हैं और जो लोग चाहते हैं कि इस तरीके की लर्निंग उनको मिलता रहे, इस तरीके की वीडियो हम अपलोड करते रहें, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू सो मच।